वेलकम टू फैट मैन जर्नी। और आज के व्लॉग से मैं थोड़ा बोलना शुरू करूँगा बिकॉज मेरे छोटे भाई ने व्लॉग्स देखा था। अब भला वो सब तो ठीक है, बट बिना साउंड का लोग देखना नहीं चाहेंगे। तो मैंने बोला थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते कैमरा पकड़ने के, बिकॉज कैमरा पकड़ना इज नॉट, पता है अभी तक पकड़ा नहीं था हाथ में, टू रिकॉर्ड माई लाइफ, टू रिकॉर्ड यू नो माई डेली रूटीन। तो अभी पकड़ा है तो आज से कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत बोलते हुए रिकॉर्डिंग आए। और सही बात है, बोलना भी चाहिए। तो अभी आज का दिन मैं उठाऊँ, थोड़ा लेट उठाऊँ, 10-10:30 बजे के आसपास, और अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 12:07। तो 1.5 घंटे बहुत मगजमारी किया अभी, अभी से काम शुरू करना है। तो सबसे पहला काम है ये पानी, गर्म पानी का पीना, उसके बाद फिर भगवत गीता में मिलते हैं। आज रूम भी थोड़ा अनटाइडी हो रखा है तो उसको टाइडी अप करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, और कल मैं आर्यन के रूम में सोया था तो इसको भी थोड़ा टाइडी अप कर देंगे ताकि उसको भी आके अच्छा लगे थोड़ा। ऑफिस से आके नो क्लीन रूम देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो किया जाएगा। जो थोड़ा सा पर्दा हटा दिया जाए, गुड, इतना सा खोला है मैंने, बस इतना सा खोला है और ये इतना उजाला कर दिया, नॉट अ वेरी गुड। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग भगवद गीता। भगवद गीता का मैं 96th पेज में हूँ, जिसका प्राउड फीलिंग है बॉस, बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाता बुक, मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। और 96 पेजेस पढ़ लेना यू नो मेरे जैसे लोगों के लिए जो रूटीन बनाने के एकदम शुरुआत में है, उनसे मैं वही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग कम टारगेट रखिए पर डेली डेली कंप्लीट करिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यू नो वो प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर अगर वो इंटरेस्ट में आया तो फिर आप अगर 2 पेज पढ़ रहे हैं तो 4 पेज पढ़िए, नहीं तो 5 पेज पढ़िए, बट अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो कम से कम 2 पेज तो डेली पढ़ ही लेंगे। एंड रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, अगर आप ये पढ़ रहे हैं या कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड हैबिट अकॉर्डिंग टू मी, और ये होना चाहिए टू हैव अ वेरी यू नो इंटेलेक्चुअल और लिटरेचर रिच आपका दिमाग। अच्छा, आज के डेट में मेरे को अभी करना है फैट मैन जर्नी का कल का ब्लॉग निकालना है, गोरंगा फूड कोर्ट का एक शॉर्ट बनाना है, दियारा वेरा जो अपना फूड रिव्यूइंग चैनल है उसका कमेंट्स का रिप्लाई करना है, चिंग सूप का एक वीडियो बनाना है, जिंजर गार्लिक बेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट पे एक वीडियो बनाना है जो कि बहुत हेक्टिक होने वाला है, थंबनेल बनाना है ड्रैगन फायर चटनी का, और मीटिंग हर्षित फॉर GFC गोरंगा फूड कोर्ट। तो शाम को मैं जाऊंगा इसको एक बार मिलने। अभी फ़िलहाल मैं फैट मैन जर्नी को पब्लिश करके एक बार थोड़ा साफ़ सफाई कर लेता हूँ घर का, और उसके बाद फिर बाकी काम सॉर्ट करेंगे। देखिए ये है अभी फिलहाल मेरा रूम, अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ये मैंने 700 रुपये में खरीदा था OLX में, काफ़ी अच्छा भाई मिल गया था तो उसी के लिए, और अभी बहुत काम बाकी है, वन ऑफ दोज डेज। ये हो गया जी साफ सुथरा मेरा रूम, और ये हो गया टाइडी आर्यन का रूम। तो बस झटपट जाके नहाना है, उसके बाद फिर हरे कृष्णा का माला करूँगा एक राउंड, और फिर लंच करूँगा, लंच भी आ गया डिफेंस सर्विस का।
चलो ही। अच्छा ये जो है ये 108 बीट का माला है, मतलब आप एक मंत्र है जो चैंटिंग इस्कॉन में बोला जाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक चैंट है जिसको आपको इस बीट के मदद से 108 बार करना होता है, ठीक है। और जो वहाँ पे मंक्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट ये इसका 16 राउंड्स करते हैं, लाइक 16 माला वो बोलते हैं, तो 16 माला जाप करते हैं वो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका। तो अभी तो मैं रिसेंटली लाइक बहुत ही कम दिन हुए हैं मेरे जाते हुए, तो अभी मैं एक माला ही करता हूँ दिन का। एंड लाइक इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मतलब नहा के कर सकते हैं, बिना नहा के कर सकते हैं, खा के कर सकते हैं, बिना खा के कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट द ऑब्जेक्टिव इसका इज़ वेरी सिंप्लीफाइड, और इसीलिए मेरे को पसंद भी है, बिकॉज यू नो रूल्स एंड रिचुअल्स मेरे को थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ, काइंड ऑफ बाइंडिंग लगता है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। बट और इसलिए यहाँ का बहुत अच्छा बात है कि आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, यू कैन डू इट एवरी टाइम, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिमेंबर कृष्णा। आप ये जब जाप करते हैं तो बस यही इरादा रहता है कि आप बस कृष्णा का नाम लें दिन में एक बार। जो फॉलोअर्स रहते हैं, डिवोटीज रहते हैं इस्कॉन के, वो 16 बार मिनिमम करते ही करते हैं, दैट इज़ देयर मिनिमम टारगेट, जहाँ तक वो अचीव करते हैं मिनिमम मैक्सिमम, और उसके बाद फिर जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो अभी मैं ये करूँगा और उसके बाद मैं बताता हूँ कैसा लगा। लाइक ये करने के बाद ना किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में रहे थोड़ा देर के लिए तो शांत हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है ये, दिमाग शांत करता है, ट्रैक पे लाता है, सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर डे इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर। ज़रूरी नहीं है कि दिन अच्छा हो, बट ये सब करने से क्या होता है ना कि आपको सूझबूझ अच्छा होता है, लाइक आप टैकल अच्छे से कर लेते हैं प्रॉब्लम। सो दैट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव एडवांटेज बोल सकते हैं आप ये करने का। ऐसा नहीं है कि ये करने से आपका दिन अच्छा होने लगता है या फिर बुरा लाइफ अच्छा चलने लगता है, इट्स जस्ट कि वो सब बुरे सिचुएशन से लड़ने का ताकत मिल जाता है और काफ़ी शांत दिमाग रहता है। शांत दिमाग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो ये था माला जपने का, तो अब मैं जाता हूँ खाना खाऊंगा एंड फिर काम पे लगना है, बहुत काम। निताई बोल भगवान की, प्रभुपाद की निताई बोल इस्तेमाल होते हैं। यस ओहो हाँ हाँ वो बुफे का तो वो आप कर रहे हैं ना। वेलकम टू दर राज, हम ढूंढ निकालेंगे बेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है।